क्लियर भी ना, ये वाली ऐसी थी जो यहाँ पे तो हम जब काउशेड बनाएंगे ना, तो ये वाली अरबी निकली थी। मैंने कहा इनको बट देते हैं, आज देखती हूँ शाम को बनाऊंगी इनको, इनकी मिट्टी भी जो है साफ हो जाएगी फिर, है ना। ये देखो एक मिर्च होने कहीं लगी हुई दिखी थी मेरे को, हाँ यहाँ पे लगी, नंगे पाँव चली हूँ, पता नहीं लगने का तो पता नहीं कि लगती है कि नहीं लगती है, पर वाह भाई एक मिर्च ये है। और बताए ये देखो यहाँ पे भी है, पर मुझे नहीं लगता है लगती होगी, ये कच्ची है अभी, अपने खेत की हरी हरी मिर्ची, वाह जी वाह। और ये कि यहाँ पे भी लगी थी, ये काफी दिन पहले की लगी हुई है, ये देखो लगने का पता नहीं, अभी कच्ची होती है ना तब नहीं लगती, थोड़ा पकने देनी पड़ती है। और पीछे बरसात में जो लगता रहा ना सब कुछ वो सड़ता रहा है, मुझे लगता है कि अब ना अब कुछ हो जाएगा, पता कैसे नंगे पांव से ही जा रही हूँ, देखो डर भी लगता है। इन चीजों को ना धूप लगना बहुत जरूरी है, इन चीजों को क्या किसी भी फसल को इंसान को जानवरों को धूप का होना तो भी बहुत जरूरी है ना। तो धूप तो देखी नहीं इन्होंने 2-3 महीने, बरसात ने बारी नहीं ली, पानी ने बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लिया, है ना। तो अभी ना मैं दिखाती हूँ आपको, मैं कल देख रही थी वो आपको नहीं दिखाते उस टाइम, तो एक ही लगा हुआ था, कितनी अच्छी मक्की हो रखी है यहाँ पे, ये देखो। और बढ़िया हमारे ना ये भी अरबी भी बढ़िया हो रखी है। तो क्या दिखा रही थी मैं आप लोगों को, हाँ टमाटर देखो कितने सड़ गए, वो मैंने आपको दिखाए थे, दिखाते हुए रुको। करेले लगे हैं ये देखो, अब लगने लगे देखो करेले, एक यहाँ पे ना जो मतलब ये है कि 3-4 चलो इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे, एक वो है ऊपर देखो, एक इस साइड है वो ऊपर यहाँ पे ना, और एक यहाँ पे ये देखो, और एक कहाँ गया यहाँ पे, है ना। और 2-3 मैंने और भी देखे थे, एक वो है देखो नीचे, पहले वाला तो वो हो गया, तो 3-4 देखे थे मैंने, एक यहाँ पे ये देखो पीछे, ये देखो यहाँ पे कीड़ा भी इसके ऊपर चल रहा है, अपने पैरों को भी देखते रहो, नंगे पाँव उतर गई मैं। और देखो टमाटर, इतने सारे टमाटर लगे थे ना हमारे, देखो नीचे सड़ गए, ऐसा भी सड़ते रहे ये भी, मुझे लगता है नहीं अभी तो ठीक है, ये लालगी लगी इसमें आने ना, फिर हमारे टमाटर खुद हो जाएंगे, उतने को टमाटरों के रेट भी गिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बहुत सारे लगेंगे देखो इस साइड भी, क्योंकि धूप का होना तो बहुत जरूरी है भाई, बिना धूप के तो कुछ भी नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ पे, और ये पेड़ तो काटना ही पड़ेगा ना, अब जब काउ शेड बनेगी तब तो काटना ही पड़ेगा हर हालत में। शाम के टाइम दिखाऊंगी मैं आपको कागजों का नक्शा, और हम फार्म वगैरह भरेंगे। ये मिर्च है देखो, मक्की यहाँ पे, अब पता है इनके ऊपर गोबर पड़ जाता ना, देखती हूँ कोशिश तो है मेरी, अरबी के ऊपर अगर गोबर पड़ जाता, मैं दिखाऊंगी आपको शाम के टाइम, अगर नींद ही ना जाए ना, क्योंकि नींद तो मैं सकती नहीं, मेरे बाजू में दर्द तो और कोई नींदेगा नहीं, तो मैं इसके ऊपर ना गोबर डालूंगी, किस तरह से डालूंगी मैं दिखाऊंगी आपको शाम के टाइम, जब काउशेड खोलने जाएंगे हम गायों का करने ना। तो देखो और ना एक खीरा भी देखा था मैंने, छोटू सा खीरा, मतलब बिल्कुल फूल के पीछे है वो, देखो वो देखो, रुको 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 रुको, वो देखो यहाँ पे है ना, हे भगवान अभी तो खीरे के भी दर्शन हो गए, अब तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये देखो एक वहां पे, एक ये देखो यहाँ पे, सब कुछ सड़ रहा था भाई, कुछ भी नहीं हो रहा था बारिश की वजह से। चलो और कैसे बनेगी काउशेड में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। देखी सिया, देखी सिया, सिया का लाडपन देखो आप लोग, इनको भी हो गया कि इतने दिनों से आते नहीं हमारे पास, क्या बात होगी। बस ऐसा नहीं है, गलाया करो प्यार हो जाए, बस खुश रहो। बस इसको ऐसे ही करते रहो तब खुश रहती है। ये दोनों तो माँ बेटी लगती है, परले वाली सिया की बेटी तो किसी भी एंगल से नहीं लगती, और इसमें दोनों के गुण है, सिया के भी गुण है,
मतलब इसमें जो करेक्टर है ना वो सिया का भी है और बिंदु का भी है, साहिवाल जर्सी का क्रॉस है ये। कैसे बेचेंगे इसको, इतना लाड प्यार करती है ना। पिट पा देख छो देख फिर छो देख फिर छो देख सिया ना हटो सिया के ना छो हाथ देख सिया ना मैं अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ऐसा नहीं छुआ ऐसा नहीं दूरा दूरा जेते देख बांट आनी देख बांट आनी बांट आनी बांट आओ इकना रे मां पाओ चली कसी ये मौसम आज ना पूरा दिन धूप रही भाई पूरा दिन धूप रही आज और अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े बादल भी लगता है कि बारिश हो सकती है। हवा देखो किस तरह की चली ठंडी ठंडी। तो जय माता दी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखो ये शाम का टाइम था यहाँ से गाड़ियाँ गई थी दो, एक ने हमारे गेट के पास लगा रखी थी पास देने के लिए और अब मिलूंगी मैं आपसे सुबह। और सुबह मैं घास को निकल गई थी तो मैं बैठी थी मोड़ के पास थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठी थी बस निकल गई थी घर से। मैंने कहा जल्दी जल्दी घास काटना है और उसके बाद ये देखो मैं आपको दिखा रही थी इतना प्यारा व्यू है ना इस मोड़ के ऊपर से बहुत प्यारा व्यू दिखता है बहुत ही प्यारा। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा आपके कुछ क्वेश्चन के जो मैंने आंसर दिए हैं। तो चलो तो वीडियो के लास्ट में आप सबने कुछ कमेंट किए थे सुबह भी दूसरे चैनल के ऊपर वो, और उससे पहले दिखा दूँ कि देखो मैंने कपड़े धोए अभी मैं यहाँ पे मशीन खाली कर रही थी वो देखो परे तक ये सारे कपड़े दिन को टाइम नहीं लगा पता क्या हुआ मैं दिन को सो गई थी। लेंटर के ऊपर चलते हैं कुछ बात करने तो थोड़ी देर सोई मैंने कहा मैं जल्दी उठ जाऊँगी और मेरे को जाग ही नहीं आई इतनी थकान हो जाती है ना मेरे को जाग ही नहीं आई। और उसके बाद जो है फिर अच्छा आप सभी को आगे मैं छत के ऊपर आप सभी को जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाइयाँ और अपनी बहनों को बुलाया करें प्यार से। और बहनें जो होती हैं ना बेटियाँ कभी भी ये चाहने या मांगने नहीं आती कि हमें कुछ चाहिए होता मायके से ठीक है वो तो बस प्यार के लिए आती हैं कि हमें कोई उनको ये रहता है कि हमारा भी कोई है पीछे जो हमें पूछेगा हमें प्यार करेगा क्योंकि शायद ससुराल में चाहे जितना मर्जी प्यार करे लेकिन मायके की हमेशा रहती है बेटियों को खुश नसीब होती हैं वो बेटियाँ खुश नसीब होती हैं वो बहनें जिनके भाई जिनके माँ बाप उनको फ़ोन करके बुलाते हैं कि बहुत दिन हो गए आ जा और तेरे बिना जो घर सूना सूना लगता है। बेटी चाहे हमारे कहलूर में एक कहावत है कि लड़कियां यहाँ बागल में जहाँ मेरे ससुराल है वहाँ यहाँ पे एक मजाक उड़ाते हैं कि कहलूरी मुन्नी मुन्नी मतलब हमारे बेटियों को बोलते हैं कि मुन्नी यहाँ पे मुन्नी बोलते हैं जब तक शादी नहीं होती ठीक है या जब तक शादी को कुछ साल हुए होते हैं उसके बाद जब वो उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यहाँ ससुराल की बात कर रही हूँ मैं तब वो मुन्नी नहीं रहती ऐसा बोलते हैं मतलब कि तब वो नाम से या बेटी जो भी है तो मुन्नी छोटे बच्चे को कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कई साल मजाक उड़ाते रहे मेरा कि कहलूरी मुन्नी मतलब मेरे मायके में ना चाहे वो मतलब बुजुर्ग भी हो जाए बुढ़ी भी हो जाए अगर वो अपने मायके आती है तो मुन्नी आई है ऐसा बोलते हैं मुन्नी आई है। तो आज थोड़ा सा मन ऐसा है कि मैंने भी जाना था पर नहीं जा पाई। एक तो जो रक्षाबंधन है वो कहते हैं कि वैसे तो सुबह से है लेकिन शाम को जो है ना सुबह भद्रा थी तो शाम को 9 बजे के बाद राखी बांधी जानी थी तो मैं दिन को जा सकती हूँ अभी फ़िलहाल तो वैसे तो बस शाम को बस सिया जब थोड़ा कम कर देगी दूध उसके बाद जाया करूँगी मैं है ना। तो
अच्छा, अब आपके लोगों के दो क्वेश्चन थे ज़्यादा कि क्या आपको आपके भाई भाभी ने नहीं बुलाया। तो भाई का फ़ोन आया था मुझे 2 हफ्ता पहले कि आना तूने कि नहीं आना 30 को। तो मैंने बोला कि देखूँगी, एक तो मौसम उस टाइम वैसा चल रहा था, मैंने कहा देखूँगी। भाई का आया था, भाभी का नहीं आया था। तो भाभी बिजी रहती हैं, वो अपनी अपनी लाइफ होती है सबकी, है ना। तो मैंने ये नहीं बोलती कि सब अलग अलग फ़ोन करो, भाभी ने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया था। पर फ़ोन का नहीं होता, देखो बहनों का तो ये फ़र्ज है कि जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा देखा मैंने कि बुलाते हैं तभी जाती हैं कि हमारे को फ़ोन आया। मेरे ऐसे विचार नहीं थे कि फ़ोन आया तभी जाना, बस रक्षाबंधन है कि भाई जाना है, अपने भाई को राखी बांधनी है। तो अब तो खैर चल भी पड़ा सिस्टम कि कई जगह पे सोचते हैं पता नहीं लेने आई है, अब ऐसी थिंकिंग हो गई है कई जगह पे। तो ऐसा ही है जो भी है। बाकी दूसरा क्वेश्चन आप लोग, अच्छा हाँ, मैं नहीं जा पाई। और आज सुबह भी मेरे भाई का फ़ोन आया था, लेकिन उसने नहीं पूछा कि तू आ रही है कि नहीं, कि उसने बोला कि मैं आज शाम को चंडीगढ़ जाऊँगा, कि अभी जाऊँगा। तो मैंने बोला कि राखी बांध लेना मेरे नाम से, बंधवा लेना किसी से। बहुत साल हो गए जो मैं भाई के पास नहीं जा पाई हूँ, कुछ रीज़न इधर से रहे, कुछ उधर से रहे, कुछ भी था जो भी था, और कुछ जिम्मेवारियाँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर छोड़ो। और दूसरा क्वेश्चन था कि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हनी और सनी को कौन राखी बांधेगा। तो हनी और सनी को कोई भी राखी नहीं बांधता। 1 साल जैसे हमारे जेठ की लड़की ने बांधी थी, 1 साल सिर्फ, 1 या 2 साल, जब वो घर में तो रहती थी, तो शिमला ही रहते थे, लेकिन पहले आ जाते थे, अब नहीं आते वो। अब आते हुए तो पार आते, अपने घर में यहाँ नहीं आते राखी बांधने। और हाँ, वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने भी बोला था। तो पता क्या है, क्यों नहीं आते, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी उससे बोल रही हूँ, पता क्या, अब वो लड़की है, उसका भी अपनी करती होनी कुछ जॉब वगैरह। अब हमारे ना मतलब वैसा नहीं है कि ऐसे, जब से यहाँ पे आई हूँ ना, पार तो चलो पता लग जाता था, लेकिन आजकल पूछना भी नहीं पड़ता किसी को क्या है कैसे है। तो अपने अपने काम में सब बिजी है ना। तो उसने, रवीना ने हमारे ने राखी भिजवा दी थी, रवीना की मम्मी ने दे दी थी हनी के पास, हनी जाता है दूध देने। तो रवीना की मम्मी आजकल घर में ही रहते हैं, उन्होंने भी गाय ले रखी है, तो वो घर में ही रहते हैं। तो दे दी थी राखी हनी के पास पार, ठीक है। तो बस ऐसा ही है। और अब उसका भी भाई है अपना, शिमला में है वो, कि घर में पता नहीं आए हुए हैं या शिमला में ही है शायद, तो उसको भी बांधनी पड़ेगी, है ना। तो अब इनके है नहीं बहन, तो इनको कौन बांधेगा, आपस में बांध देते हैं भाई भाई, हम आपस में बांध देते हैं चारों। और ननद की बात रही तो छोटी ननद हमारी बीमार है, और उन्होंने भी राखियाँ भिजवा दी है। और बड़ी ननद, आपको मैंने एक दिन दिखाई थी वीडियो में, वो भी राखियाँ जो है दे गए थे, ठीक है। तो ये राखी से संबंधित कुछ सवाल थे आप लोगों के रक्षाबंधन से। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ रक्षाबंधन की। और बस यही कहना चाहती हूँ कि खुश नसीब हैं वो बहनें जिनको भाई भाभियाँ बुलाते हैं। और हमने भी अपने ननदों को फ़ोन किए थे कि आप लोग आ नहीं रहे हो या कुछ भी है, कब आना, तो वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके भी कुछ प्रॉब्लम है। तो बस ऐसा ही है। और जिनकी बहनें गई हैं रक्षाबंधन पे, तो मेरी तरफ से भी राखियाँ बांध देना, हमारे मेरे भी भाई हैं। और बस बाकी सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है, भगवान अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें, भाई बहनों के ऊपर, और सबके भाई सलामत रहें, और सबके भाई हमेशा अपनी बहन की मदद के लिए खड़े रहें हर पल, हमेशा। माँ बाप के बाद जो है ना, वो भाई बहन का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो सच्चा होता है। बाकी पता नहीं बाकी पता नहीं तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय माता दी, राम राम।